जय हिंद, स्वागत है आपका डिफेंस फोर्स के एक और नए एपिसोड में। रशिया की तरफ से एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अगले महीने वार्षिक शिखर सम्मेलन बैठक में भारत आएंगे, जिसमें भारत को औपचारिक रूप से S500 मिसाइल सिस्टम की पेशकश की जाएगी। कुछ दिन पहले खबर निकल कर आई थी कि चाइना और इंडिया ने रशिया के S500 मिसाइल सिस्टम में इंटरेस्ट शो किया है, जो S400 मिसाइल सिस्टम से कहीं अधिक एडवांस और खतरनाक है, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड और क्रूज मिसाइल से निपटने में सक्षम है। S500 रेंज के मामले में S400 से कई गुना खतरनाक है। ऐसा माना जाता है कि S500 दुश्मन के एयरक्राफ्ट को लगभग 500 किलोमीटर और बैलिस्टिक मिसाइल को 600 किलोमीटर तक मार गिराने में सक्षम है। यह एक साथ 10 मिसाइल को ट्रैक और टारगेट कर सकता है। S500 दो नई मिसाइल का उपयोग करता है, जिसमें से पहली मिसाइल 77N6 और दूसरी मिसाइल 77N6N1। इन दोनों मिसाइल को एक इनर्ट वॉरहेड से इक्विप्ड किया जा सकता है, ताकि आने वाले न्यूक्लियर मिसाइल को नष्ट किया जा सके। S500 मिसाइल सिस्टम की रेंज 800 किलोमीटर है, जो 600 किलोमीटर तक किसी भी प्रकार के एरियल टारगेट को हिट करने में केपेबल है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी शामिल है। अब देखना होगा कि भारत इस S500 सिस्टम को खरीदता है या नहीं। इसी बात पर वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।